हम एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जो कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज आई है कि जींद के अंदर सत्यनारायण मंदिर के पास सोना मिला है। तो उस सोने का ये रियल टेस्ट है कि वहाँ पे रियल में मिला है या नहीं है, तो ये पता करने हम पहुँच रहे हैं सत्यनारायण मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई अनिल ढांडा और AKD न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि एक बहुत ही जो कह सकते हैं वायरल न्यूज यहाँ से आ रही है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी परफॉर्म कर रही है, तो इसका रियल टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये सत्यनारायण मंदिर यहाँ पे, और इस तरफ ये SD स्कूल पड़ता है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे खुदाई की गई है। और यहाँ की न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे एक सुराही टाइप के एक मिली है, तो यहाँ पे ये भाई काफ़ी खड़े हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। ये बताएं, जो यहाँ पे अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि यहाँ पे एक सोने की सुराही मिली, क्या वो सच है? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठी हुआ है। और जो इस गली को ठीक करने के लिए प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करी जा रही थी, तो किसी ने यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही थी। तो सुनवाई ना होने के कारण तो फेक न्यूज़ किसी ने डाल दी इसके ऊपर। लेकिन लोग तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि कहीं आप सच को सुबह ना ले। नहीं, हाँ बिल्कुल सच है जी, ये तो वैसे ही कह रहे हैं, झूठी अफवाह है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पा ही नहीं सकता ना जी, यहाँ पे अगर कैसे पा सकता, मिला होता तो सर यहाँ पे इतनी शांति ना होती। पहली बात तो शांति ना होती। फिर यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे लाइन तो बिछी हुई, पानी की लाइन तो थी, कभी डली थी, कोई सोना उसके बाद थोड़ी दबेगा, कौन दबेगा? बिल्कुल, जैसा कि वैसे मैं लाइन, जैसा कि मैं यहाँ पे काफी शांत माहौल, इतने शांत माहौल नहीं, सारी मीडिया यहाँ पहले सीवर लाइन भी है, यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एक दो बंदे से और बात करेंगे, आपको यहाँ पे यकीन दिलाएंगे कि जो यहाँ पे न्यूज बनाई गई है वो फेक बनाई गई है, और इस पे लोग लाइक भी कर रहे हैं, और कह रहे मैं खुद जाके देख के आऊँ, कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं। नमस्कार जी सर। सर जैसा कि यहाँ पे मैं आज पहुँचा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि यहाँ पे सोने का एक सुराही मिली है, तो क्या ये सच है? नहीं, झूठ है जी, अफवाह सर। अच्छा, ये अफवाह क्यों फैलाई गई है? अफवाह ऐसा है जी, कई बार ये इसकी रिपोर्ट की थी यहाँ MC साहब को भी, कमेटी में कही नहीं था, कभी कही इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। वैसे आपके MC साहब को तो बढ़िया बताया गया, अच्छे MC साहब है, ऐसे कैसे हो गए इन्होंने एक्शन लिया? कार्रवाई नहीं हुई थी, ये सारी बैठी पड़ी है। हाँ देख, वो तो देख रहा हूँ यहाँ पे, तभी तो किरने के कार पे आ गए थे, मतलब आज है ना, खुद दुकानदारों ने अपने मतलब मजदूर लगाए खुदाई की है, लेकिन इस कारण किसी ने मतलब ये फैला दी है, तो 2-4 साल पहले गली बनी थी। नहीं वो तो मुझे तो पता है किसी ने फैलाई, बट मैं तुम्हें देख के सारे कंफर्म करके तब आया हूँ, भाई झूठी है कि सच है? बिल्कुल एकदम। तो ये लोग मजबूर थे इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए, बाकी इन्होंने नहीं की है, पता नहीं किसने यहाँ पे इस तरह की अफवाह फैलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इन भाइयों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें, और इन की काफी तकलीफ को समझे। जैसे भी कोई यहाँ बाजार की तरफ निकलता है तो कैसे निकलेगा? कमेटी में भी गए हैं, विधायक के पास भी गए, लेकिन इसकी पर कोई हमारी दुकान में चलो जी, पानी निकल रहा है। अच्छा जाओ जी, देखो ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी दुकान के अंदर पानी निकला हुआ है, तो बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर हम किसी का नुकसान करवाते हैं तो उसका मुआवजा देने का हक बनता है। इस दुकान के अंदर आप देख सकते हैं भारी नुकसान हुआ इनको, ये देखो अंदर से पानी निकला हुआ, सीलन सीलन हुआ पड़ा है, ये देखो सारा का सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भाई साहब की दुकान पानी आ रहा है जी, पानी मटके ने और ऊपर बुरी तरह से दुकान में, ये देखो सारे कपड़े निकलने लगी है। काफी नुकसान हो रहा है यहाँ पे लोगों का, और प्रशासन है कि सुन नहीं ले रहे हैं। ये सारा त्रेड़ आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अंधेरा जरूर लेकिन आपको साफ नजर आ जाएगी, यहाँ पे दरार आई है मकान के अंदर। तो ये काफी मजबूर थे, और इन्होंने कहा कितनी बार गए सर आप यहाँ पे कमेटी के अंदर? काफी बार गए जी, MC के गए काफी बार, MC के यहाँ पे भी गए आप? 10 बार कम से कम। अच्छा, यहाँ पे जो क्या नाम है अपने MLA साहब हैं, मीडा साहब के पास भी गए, एक बार गए हम कृष्ण मीडा के पास, कृष्ण मीडा के पास भी गए, तो उन्होंने क्या कहा आपको? कह दिया 1-2 दिन में आ जाएंगे, आश्वासन दिया। ये कितना टाइम से आप कंप्लेंट कर रहे हैं इसकी? 1 महीना से जी, 1 महीने से लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, और सरकार बोलती है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आम नागरिक की, और जो आम नागरिक की छोटी सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, ये गली का मामला है। और इन्होंने आज अब आपने यहाँ पे अपने पैसे से मजदूर लगाया है, हमारे पैसे ये मजबूर थे, इन्होंने अपने पैसे से अपनी पॉकेट से इन भाइयों ने अपना मजदूर लगा के तब इनकी खुदाई करवाई है। तो ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए था कि ये भाई तंग हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए, 1 दिन का मुश्किल से काम होता है। तो वहाँ पे जो कमेटी में गए थे वहाँ से आपको क्या बोला गया?
आश्वासन देते हैं जी आ जाएंगे। आपने कोई एप्लीकेशन भी दी लिखित में? एप्लीकेशन नहीं ली जी, उनने एप्लीकेशन ली नहीं, उनने लिखी तो थी। हाँ लिखी तो थी हमने, ले आ जाएंगे हम। मकानों में बहुत वो है जी, नुकसान इस मकान में बहुत ज्यादा है, ये बंद है अभी मालिक। अच्छा अच्छा, ये वाला बिल्कुल ऊपर देख लो आप, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ जी, देखिए अभी हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे मकान के अंदर काफी नुकसान है और मैं थोड़ा लेट आया इस वजह से, यहाँ पे सभी दुकानों का मैं देख नहीं सकता। ये देखो पूरा प्रॉपर दरार आ गई है यहाँ पे मकान के अंदर, आप देख सकते हैं नीचे ऊपर तक सारे। ये भी जी देखो, ये पूरे दरारें आ रही, ये देखो पूरी दरार आ गई। इस तरह से तो मकान गिर भी सकता है, फिर कौन पता करेगा तो मकान गिर गया क्या हो गया, नुकसान कितना हो सकता है। ये देखो ये दरार है जी, वैसे मंदिर की पेट में आ रहे हैं भाई साहब। और मैं इधर आता हूँ जी, रात को कुछ हो जाएगा तो क्या करूँ फिर? हाँ, क्या कह रहे हैं? रात को मैं अकेला रहता हूँ मकान में। हाँ ये आप यही रहते हैं? हाँ। ये भाई कह रहे हैं रात को कुछ हो गया, सुबह का पता नहीं लगेगा क्या कैसे हो जाएगा मेरा। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई ये देखो आपकी, ये देखो ना दरारे देखने के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन इसकी अफवाह फैली तो सारा प्रशासन उठ के आ गया, ये गलत है ना। एक महीने से बहुत ज्यादा परेशान है, सारी बिल्डिंगें खराब हो चुकी है इस चीज। ये एक और भाई के यहाँ पे दुकान के अंदर नुकसान हुआ है, मैं थोड़ा लेट आया, दुकान तो सारी खुली होती है, अभी लेट आया इसलिए बंद हो चुकी है। ये देखो बहुत मोटी दरार यहाँ पे है, ये देखो आप खुद देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी दरार आई है। ये सड़क के बीचों बीच ये दरार आई हुई है, ये देखो ये देखो सड़क फटने को, और ये बीच ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे भूकंप आ गया हो यहाँ पे पहले ही, ये सारे दरार आई हुई है। और परली गली में भी है, परली गली में ले जाओ, ये देखो भाई दरार ही दरार और की सारे। कहाँ से रास्ता है? चलो आप। हाँ जी क्या बता रहे थे आप? मगर सारा पाइप लीक हो रहा है आपका मकान, सारा दरार आ रही है जी। अच्छा वो यहाँ पे अभी कोई नुकसान हुआ इस तरह का? आगे ज्यादा दरार आ रही है जी। ये देखो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दरार आई हुई है, इतना नुकसान यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं, किसी को कोई देख नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे भी आप देखो सब जगह दरारें आई हुई हैं, यहाँ पे सारे मकान दुकान सभी के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, और यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए। लो जी लो देखो, इधर देखो ये कोने में सारा पुराना हो रहा है मकान का, भगवान भी हिले हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो सब मकान टूटे, और ये देखो ये खिड़कियां जगह छोड़ गई, ये खिड़कियां देखो, ये खिड़कियों के बीच में दरारें आप देख सकते हैं कितनी दरारें आ गई हैं, इतनी आ गई है सारी। ये देखो हाँ जी अलग अलग हुई पड़ी है, और ऊपर वाला यूं बिल्कुल वो हो रहा है, अगला पैर तो चुक रहे हैं। हाँ जी तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से या गवर्नमेंट से इसके रिगार्डिंग? हम ये चाहते हैं जी, हमारे ये सारे मकान जो दुकान ये बैठ गई है, काम धंधे वैसे ही नहीं है, अब मतलब दोबारा मकान दुकान बनाने की कहाँ गुंजाइश हमारी, हम तो मतलब पूरी मार्केट ही जो है ना ये ऐसी होगी अगर अच्छी तरह से दो दिन बारिश आ जाए तो, क्योंकि नीचे के नीचे गिर जाए और सभी यही मार्केट के अंदर ही मर जाएंगे सभी के सभी। प्रशासन के पास हम गए, मेडर साहब के पास गए, हम कोई मतलब हाँ जी करेंगे करेंगे, किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी। लास्ट में होके हमने सभी ने इकट्ठा हो गए और भाई तुम अपना आप पढ़ लो, जो मजदूरी देखी जाएगी जो भी होगा अपनी उस पर, हमने जो है ना अपने उस पर लगा के मजदूर और अपनी कार्रवाई के लिए अपने खुद कर रहे हैं हम अपने, भाई कहीं से लीकेज हो और हो तो कम से कम हमें पता तो लग जाए। चलो ये तो देखो लास्ट ऑप्शन होता ही है, गवर्नमेंट नहीं संभालेगी हमने तो संभालना है, क्योंकि नुकसान तो हमारा हो रहा है, और दूसरी बात अगर दबके मर गए तो मरेंगे तो हम वो तो आके देख लेंगे भाई हम मर गए ठीक है, बस मर गए कर देंगे, दे दो जी 2 लाख रुपए या ले बस। अरे आदमी गए वो कहाँ से गए, तुम पहले क्यों नहीं करते, तुम 2 लाख दे रहे हो तो 2 लाख लगने भी नहीं है यहाँ तो, ये सारे 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर मतलब अब हमारी ये 20 दुकानें हैं,
20 दुकानों में अगर 30 आदमी मर गए, 2 लाख के हिसाब से 60 लाख रुपया हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तुम या 20,000 रुपये खर्च करके इनको बचाओ ना, क्यों मार रहे हो हमें? सही बात है जी, हमें किस लिए मार रहे हो आप? देखो जी, हमारा काम है आपकी बात आगे प्रशासन तक पहुंचाना, बाकी वो एक्टिव कितना होते हो देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से तो वो अब एक्टिव होंगे, वो ऐसा नहीं है, सभी भाइयों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। आपने देख लिया कितने पुराने दुकानदार यहाँ पे बैठे हैं और सारे भाई बैठे हैं, जितने भी दुकानदार यहाँ पे हैं। वो तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया भाई, क्योंकि मेरे को पता ही बाद में लगे, आप लोगों ने पहले बताया होता तो पहुँच भी जाते। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। कोई बात नहीं सर, देखो हम आपकी बात जरूर पहुँचाएंगे और हो सका तो पर्सनली मिड्डा साहब से ही मिलेंगे जाके। कोई नहीं, मीडिया की वजह से मतलब आज देश जो है ना, हाँ जी, चल रहा है, नहीं तो बाकी खत्म ही है सारा। सो बिल्कुल सही बात है सर, एक्चुअली मीडिया पहले भी पब्लिक का सहारा रही है और आज भी कोशिश करते हैं सहारा बने। जो भी काम होता है ना मीडिया के जरिए से होता है। अगर बलात्कार हो जाता है, वो नहीं पकड़ा जाता तो मीडिया ही पकड़वाती है उसको, क्योंकि मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है, प्रशासन के पीछे। हाँ, कंट्रोवर्सी बन जाता है, तब मुद्दे तब उसके बारे में सोचते हैं। हम आपसे गुंजाइश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारी मतलब इस बात को ज्यादा से ज्यादा आप उठाएं, ताकि प्रशासन कुछ जाग जाए और कुछ हमारा समाधान हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बात की, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचे और यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें और इसका निपटारा करें। बाकी भाइयों से बात करके बहुत बढ़िया लगा सबसे। तो दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पे खबर मिली थी एक कि यहाँ पे कोई खुदाई के दौरान एक खजाना मिला है और यहाँ के लोगों के बारे में भी ये बोला गया था कि उसको लेके ये भाग गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ पाई यहाँ पे। हम एक रियल टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और उसमें हम कामयाब भी रहे, जिसको देखा जाए कि यहाँ के लोगों की एक परेशानी सामने आई है, ये बहुत परेशान है काफ़ी दिन से। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पहुँचे थे कि एक्चुअली माजरा क्या है, क्यों ऐसा किया गया और क्या प्रॉब्लम है। हम लेट ज़रूर आए लेकिन दुकानदार हमें फिर भी मिल गए, जिनसे हमें बात करने का मौका मिला। तो इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। जय हिंद।